Hello everyone, Sumit Sharma this side, and we are going to discuss that how to find the intrinsic equation when the polar coordinates are given. X is equals to a into theta plus sine theta and y is equals to a into 1 minus cos theta. ये दो इक्वेशन हमारे पास दी हुई हैं, हमें कह रहा है कि इंट्रेंसिक इक्वेशन हमें फाइंड करना है. इंट्रेंसिक इक्वेशन एक बहुत ही वाइडली सर्च टॉपिक है ऑन द यूट्यूब. इस पर हम बात कर रहे हैं इसलिए मोस्टली यूट्यूब पे जब आप देखेंगे तो आप लोगों को इंट्रेंसिक इक्वेशन निकालना सिखाया गया होगा, जो कि ऑलरेडी मैंने अपने वीडियो में बता चुका हूँ. आप लोग अगर देखना है तो आप लोग कॉन्सेप्ट एंड स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए क्योंकि वहाँ मैंने 220 से ज़्यादा PDF फाइल्स अपलोड कर रखी हैं, ठीक है ना, BSc से रिलेटेड और बहुत सारी जो कि आपके काम की हैं. तो यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं कि इंट्रेंसिक इक्वेशन कैसे फाइन करें. देखिए, मैंने सही तरीका और गलत तरीका दोनों यहाँ पे डिस्कस किया है. एक्स इज इक्वल टू ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, dx बाई डी थीटा हमें फाइन करना है. कोई भी चीज़ हमें दी हो, एक बार ध्यान रखिए, इंट्रेंसिक हो, पीडल हो या और कोई भी इक्वेशन हो, वहाँ हमें डिफ्रेंशिएट या आर्क लेंथ हो, रेक्टिफिकेशन हो, वॉल्यूम हो, तो हमें वहाँ डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, ठीक है. तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए फटाक से, क्योंकि एक्स और थीटा वेरिएबल है, तो हमने फटाक से dx बाई डी थीटा निकाल लिया, जो कि निकालना बड़ा आसान है. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये आएगा. तो क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा हमें पता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, तो हमने लिख दिया, देखिए 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी dx बाई डी थीटा हमारे पास 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया. नाउ y की बारी है, y इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है. हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. अब यहाँ पे ये मत करिए कि 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, वो तो हम बाद में करेंगे, ठीक है ना. यही तो इसमें फंडा होता है, हमें देखना होता है कि पहले क्या करें बाद में करें. इसीलिए मैथमेटिक्स में दिमाग काम करता है. मैथमेटिक्स इसीलिए नहीं आती क्योंकि लोगों को दिमाग लगाना पड़ता है, और लोग दिमाग लगाने को तैयार नहीं. और सारे सब्जेक्ट बहुत आसानी से आ जाएंगे क्योंकि उनमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है ना. मैथमेटिक्स इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस द अदर सब्जेक्ट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स वेरी केयरफुली एंड बाई यूजिंग द पैटर्न ऑफ थिंकिंग ऑफ योर माइंड, विच आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर एंड आई हैव डिस्कस इन ऑल माई वीडियोज, ठीक है. तो मैं देखते हैं, डीवाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा. इसको जो हमने डिफ्रेंशिएट किया, डीवाई बाई डी थीटा निकाला, तो हमारे पास ये आया. अब ए साइन थीटा, साइन थीटा हमें पता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होता है, हमने ये लिख लिया, इसे ऐसे लिख लिया. क्यों लिखा ये आगे पता लग जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें डीवाई बाई डी एक्स निकालने की ज़रूरत पड़ती है. और डीवाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास डी एक्स बाई डी थीटा दिया है, तो आप लोगों को पता होगा डीवाई बाई डी थीटा कर दिया, डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यहाँ पे ये डीवाई बाई डी थीटा मिला और ये डी एक्स बाई डी थीटा डी थीटा बाई डी एक्स मिल गया. आई होप आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा होगा. 2a साइन थीटा बाई 2 डीवाई बाई डी थीटा हमें पता है, यहाँ से देखिए हमने लिख दिया. और डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, यहाँ से देखिए हमें क्या पता था, डी एक्स बाई डी थीटा पता था, इसका उल्टा हम लोग करेंगे तो नीचे डिवाइड हो जाएगा ये आके. इसको आप लोग सॉल्व करेंगे पेपर पे तो बहुत आसानी से आ जाएगा. तो हमारे पास ये आया, 2a 2a कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है. साइन थीटा बाई कॉस थीटा बचा, उसके बाद टेन थीटा बाई टू, आई एम सॉरी. तो हमने यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा बाई टू फाइंड कर लिया था, ठीक है ना. आई होप आप लोगों को एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा. तो हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स बराबर टेन जाई होता है, पहले बता चुका हूँ मैं. जब हम इंट्रेंसिक इक्वेशन फाइंड करते हैं तो उसका मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, देख सकते हैं जाकर के प्ले लिस्ट में कॉन्सेप्ट एंड स्टैंडर्ड रिजल्ट में. तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन जाई इज इक्वल टू टेन थीटा बाई टू, ठीक है ना. यानी कि जाई बाई जाई इज इक्वल टू थीटा बाई टू. वेल इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ मैंने लिख दिया है, ठीक है ना. यहाँ ये गलत लिखा है, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना. तो ये दिमाग में ना आए, ठीक है ना. ये जो मैंने लिखा है, ये स्टेटमेंट सरासर गलत है. आई ऑब्जेक्ट दिस स्टेटमेंट, ठीक है. तो हम आगे बढ़ते हैं, हमें फाइंड करने की ज़रूरत है क्या. देखिए हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया है, ये यहाँ तक फाइंड किया, यहाँ तक तो बात ठीक है. देखिए यहाँ पर मैंने डी एस बाई डी थीटा निकाला है, जो कि ये होता है, ठीक है ना. लेकिन इसे मुझे निकालना नहीं था, इसका कोई फ़ायदा नहीं आगे, ठीक है ना. इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया डोंट डू दिस, ये चीज़ नहीं करनी है आपको. जितना सेक्शन ये लिखा हुआ है इसे नहीं करना है आपको, ये टोटली रॉन्ग है. मतलब रॉन्ग क्या है, ये करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड हेयर. तो हम आगे चलते हैं, हमारे पास दिया हुआ है डी एस बाई डी थीटा हमें निकालना है, और जिसकी वैल्यू होती है जो हमने बताया है अभी तक आप लोगों को, आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा इंट्रेंसिक इक्वेशन में भी. इंट्रेंसिक इक्वेशन हालांकि होता क्या है, एक्स और वाई से इक्वेशन को जो हम फ्री कर देते हैं, यानी एक्स और वाई से इक्वेशन एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन बनाते हैं जो कि एक्स और वाई से इंडिपेंडेंट होगी, उसे हम इंट्रेंसिक इक्वेशन कहते हैं.
यानी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ जाई और अदर कॉन्स्टेंट्स। तो हमें यहाँ पर dx बाई d थीटा निकाला था, उसका स्क्वायर करके यहाँ पर रख देंगे और dy बाई d थीटा का स्क्वायर करके यहाँ पर रख देंगे, जिसकी वैल्यू ये होगी ए स्क्वायर इंटू वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर साइंस स्क्वायर थीटा। इसको ओपन करेंगे तो आएगा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा प्लस टू साइंस स्क्वायर थीटा। पूरे में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बाहर ए आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा, और वो वन प्लस ये वन, वन प्लस वन टू हो जाएगा। देखिए टू लिख दिया मैंने, टू प्लस टू कॉस थीटा, ये वाला टू कॉस थीटा, टू कॉमन लेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा टू इंटू वन प्लस कॉस थीटा। हमें पता है वन प्लस कॉस थीटा बराबर टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू होता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर। अंदर फोर हो गया तो बाहर आ गया टू ए कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम, तो आगे देखते हैं। एस इज इक्वल्स टू टू ए, इंटीग्रेशन जब करेंगे एस इज इक्वल्स टू ए जीरो से थीटा इंटू कॉस थीटा बाई टू डी थीटा। हमें पता है लिमिट्स सूटेबली डिफाइन होती है, अगर डी थीटा होता है तो जीरो से थीटा, डी वाई होता है तो जीरो से वाई, डी जेड होता है डी जीरो से जेड, डी एक्स होता है जीरो से एक्स, लिमिट्स होती हैं। ठीक है ना, तो एस इज इक्वल्स टू टू इंटू टू ए साइन थीटा बाई टू, हम इसमें लिमिट रखेंगे तो हमें बस कुछ ऐसा आ जाएगा फोर ए साइन थीटा बाई टू। ठीक है, हमें बस ये आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एट लिख दिया था जो कि बहुत ही गलत है स्टेटमेंट। तो फोर ए साइन थीटा बाई टू, हमें पता है पहले ही हम फाइंड कर चुके हैं क्या कि थीटा बाई टू इज इक्वल टू जाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे थीटा बाई टू, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बनाया, इसकी जगह हम जाई रख देंगे। तो एस इज इक्वल टू फोर ए साइन जाई, जो कि हमारा इंट्रेंसिक इक्वेशन हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसीलिए मैंने इसको फाइव स्टार दिया है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को जो मैंने डिस्कस किया है अभी। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, क्योंकि हर वीडियो, एक दिन में दो वीडियो ज़रूर आते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल कल नहीं आया था वीडियो, लेकिन अब से कंटिन्यूसली आएगा, हो सकता है एक दिन में तीन तीन आने लगे। तो सब्सक्राइब करके रखिए और चैनल को, वीडियो को लाइक कर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना लेकिन मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।